हेलो माय यूट्यूब डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है, आपने अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुला रखा है अपना, तो फ्रेंड्स आपको ज़रूर आईएफएससी कोड की या अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ती होगी। यानी जैसे कि मान लीजिए आप किसी की अपने भाई से, भाई वगैरह से अपने अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, तो आपको उसे अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता होगा एंड आपको अपना आईएफएससी कोड देना पड़ता होगा। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपना आईएफएससी कोड कैसे देख सकते हैं एंड अकाउंट नंबर कैसे देख सकते हैं। तो गाइज उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए करना क्या है, आपको एयरटेल का अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जानने के लिए। तो गाइस जैसे कि आपको पता है सबको कि एयरटेल का अकाउंट नंबर तो हमारा जिस मोबाइल नंबर पे लिंक होता है वही होता है। आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ तो जैसे कि आपका एक मोबाइल नंबर है एंड आपने उस अकाउंट उसी मोबाइल नंबर पे एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खुला रखा है, तो गाइस सिंपली आपका अकाउंट नंबर भी वही होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको उसके लिए एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर वो अवेलेबल है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसे जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है एयरटेल थैंक्स एंड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे ये ओपन होगा तो गाइज अगर आपका नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मेरा डाटा वगैरह दिख रहा है तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक आध बार सर्च कर लेंगे, आपका ऑप्शन मिल जाएगा एंड आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पर एंड इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो आप बोलोगे कि हमारी समझ में नहीं आया। एंड आपको नेक्स्ट करना है, एक और बार नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी मिल जाएगी, यूपीआई लिखा हुआ दिख रहा है एंड मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर भी दिख रहा है। व्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम, व्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइमरी यूपीआई आईडी एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिख रहा है मेरा। आपको करना क्या है, इस वाले क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी पर नहीं करना है आपको क्लिक, मोर यूपीआई आईडी इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर ब्लर कुछ एक्स एक्स दिख रहे हैं एंड लास्ट के फॉरवर्ड दिख रहे हैं, आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अकाउंट इन्फो दिख रही है, आपको सेटिंग अकाउंट इन्फो में जाना है एंड आपका आईएफएससी कोड यहाँ दिख जाएगा। आईएफएससी कोड आपको दिख गया होगा, ये देख सकते हैं AIRP00001, ये आपका आईएफएससी कोड है। अगर आप किसी से भी अकाउंट में अपने पैसे डलवाना चाहते हैं एंड वो पूछता है आपसे आईएफएससी कोड, तो इस तरह से आप आईएफएससी कोड बता सकते हैं। तो फ्रेंड आपको अकाउंट नंबर जानना है तो आपको बैंक जाना है, बैंक जाने के बाद ये देखिए आपका अकाउंट नंबर भी दिख जाए। मैंने कुछ नंबर ब्लर कर रखे हैं ताकि मेरा नंबर लीक ना हो, ये देख सकते हैं गाइज आपका अकाउंट नंबर भी दिख गया है, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है वही आपका अकाउंट नंबर होता है। तो गाइज आई होप कि गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।